शायद आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आए होंगे जिसकी वजह से आपको ये पूरी तरह एक्सपीरियंस हो गया है कि आपका लक कितना ज्यादा खराब है, क्योंकि आपके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो लेकिन किसी न किसी वजह से सब कुछ खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आपको शायद ये लगता है कि ये सब कुछ लक है, लेकिन असलियत में ये लक भी एक साइंस की वो चीज़ है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो शायद अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आप भी अपने लक को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह काबिल हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ऐसे बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं जो कि आपके लक को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको ये विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि आखिर लक है क्या और क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्या आप लक में विश्वास करते हो? अगर करते हो तो आप वर्ल्ड के उन 68% लोगों में शामिल हो जो कि आप ही के जैसे लक में विश्वास करते हैं, और दूसरी ओर 32% पॉपुलेशन लक में विश्वास नहीं करती, और उस 32% पॉपुलेशन में से भी 31% ऐसे लोग हैं जो कि लक में विश्वास बहुत ही कम लेवल पे करते हैं, बस इतना जितना कि वो सेफ रह सके। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड के 99% लोग लक में किसी ना किसी तरीके से विश्वास करते हैं, लेकिन इनमें से भी काफी ज्यादा लोगों का यही मानना है कि लक भी मेहनत से आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स ने सालों तक चलने वाले एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया है कि लक का मेहनत के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इसे समझने के लिए आप इस एग्जांपल के बारे में सोच सकते हो कि एक मजदूर पूरी उम्र इतना मेहनत वाला काम करता है जिसको करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो काम शायद आज तक मौजूद जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने कभी किया भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ये सब करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाता। और ऐसी ही चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद इंग्लैंड में मौजूद हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल प्रोफेसर यानी कि रिचर्ड वाइजमैन ने बहुत सी स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, जिसके बाद उन्हें पता चला कि लक कुछ नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद फ्रीक्वेंसीज है। सर रिचर्ड वाइजमैन ने अपने साथी प्रोफेसर्स के साथ मिलकर काफी सालों तक इस चीज पर रिसर्च और रिजल्ट्स के एविडेंस पे हमें दिया द लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, जिसके हिसाब से यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है वो रेस्ट में नहीं है बल्कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जिसकी मेन वजह है इन सभी चीजों के अंदर मौजूद एटम्स जो कि फिर से बने होते हैं सूक्ष्म पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से, और ये सभी चीजें भी और भी छोटी छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बनी होती है जो कि एक लेवल तक हम सभी को एक जैसा बनाती है, लेकिन फिर एक लेवल के बाद ये सभी चीजें भी कंट्रोलेबल हो सकती है जो कि हम अपनी हेल्प से कर सकते हैं। सर रिचर्ड वाइजमैन ने हमें ये बताया कि ये सभी फ्रीक्वेंसीज हम इंसानों के लक को डिसाइड करती है, जिसकी जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उस इंसान का लक उतना ही ज्यादा होगा। उनके हिसाब से अगर हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो हमें अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा जो कि बने होते हैं हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल से, और यही सभी चीजें हमारे आसपास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार कर देती है जिसके अंडर अगर कोई भी नेगेटिव वाइब आए भी तो वो भी एक्सपेक्टेबल पॉजिटिव वे में काम करना स्टार्ट कर देती है। और अगर इन सभी चीजों को अगर सबसे अच्छा बूस्ट करने का तरीका है तो वो है म्यूजिक सुनना, जो कि आपके आसपास की फ्रीक्वेंसीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही असर पड़ता है। आपकी इस वर्ल्ड की तरफ पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खोल देती है, जो कि फिर से आपको इतने ज्यादा रास्ते दे देती है जिससे कि आप अपने सक्सेस की तरफ पहुंच सकते हो और अपने आप को लकी फील करवाकर असली लक का मजा ले सकते हो। तो अब ये क्लियर है, लक और कुछ नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद फ्रीक्वेंसीज है।